वेलकम बैक टू अवर चैनल अपने स्कूल। आज का मजमून है खेले करे सीखे जमा तुम। आज हम देखेंगे खेले इस मौजू का सबक नंबर एक सेहत। इस सबक का जेली सबक 1.5 इब्तदाई तिब्बी मदद। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। 1.5 इब्तदाई तिब्बी मदद यानी इलाज के लिए फौरी तौर पर मिलने वाली मदद। प्यारे बच्चों, इस तरह का बक्स आपने अपने स्कूल में जरूर देखा होगा। ये है इब्तदाई तिब्बी मदद का बक्स, इसे अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। जब आप स्कूल में खेलते वक्त गिर जाते हो तो आपको चोट आ जाती है और उस वक्त डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको फौरी इलाज की जरूरत होती है, और तब ये बक्स बहुत काम आता है क्योंकि इस बक्स में मौजूद चीजों की मदद से आपको इब्तदाई तिब्बी मदद मिल जाती है। कौन कौन सी चीजें होती है इस बक्स में? इस बक्स में होती है पट्टी। पट्टी का इस्तेमाल आपको जहाँ पर चोट आई हुई होती है वहाँ हस्बे जरूरत बांधी जाती है। उसी तरह ये है चिगट पट्टी, इसका भी इस्तेमाल हस्बे जरूरत किया जाता है। ये है मरहम। मरहम का इस्तेमाल जख्म पर लगाने के लिए किया जाता है। उसी तरह बक्स में होती है बैंडेड। बैंडेड का इस्तेमाल जहाँ पर आपको खराश आई हुई होती है या जिल्द के कटे या फटे हुए हिस्से पर बैंडेड को लगाया जाता है। उसी तरह ये है आयोडीन। इस बक्स में आयोडीन भी होता है। आयोडीन का इस्तेमाल जख्म को धोने के लिए किया जाता है ताकि जख्म पर के जराशिम खत्म हो जाए। उसी तरह इस बक्स में होती है कपास। कपास का इस्तेमाल भी चोट लगे हुए हिस्से पर हस्बे जरूरत किया जाता है। इस तरह से ये इब्तदाई तिब्बी मदद का बॉक्स स्कूल में बहुत कारामद साबित होता है क्योंकि इसकी वजह से आप बच्चों को इब्तदाई तिब्बी मदद मिल जाती है जिसकी वजह से आपकी तकलीफ दूर हो जाती है। इस तरह का इब्तदाई तिब्बी मदद का बॉक्स हम सबके घरों में भी होना चाहिए ताकि हम सबको इब्तदाई तिब्बी मदद मिल सके। अब यहाँ पर है मेरी सरगर्मी। यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है जिसे आपको मुकम्मल करना है। पढ़ो और मुनासिब निशान लगाओ। यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और सही या गलत का निशान लगाना है। तो चलिए जुमलों को पढ़ते हैं और सही या गलत का निशान लगाते हैं। पहला जुमला है, रिकाबी में अपनी पसंद नापसंद की खाने की तमाम चीजें खत्म करता हूँ। अगर आप रिकाबी में अपनी पसंद और नापसंद की तमाम चीजें पूरी खा लेते हो यानी कि झूठा नहीं छोड़ते हो तो आप यहाँ पर सही का निशान लगा सकते हो, और अगर आप रिकाबी में झूठा छोड़ देते हो यानी पसंद की चीज खा लेते हो और नापसंद की चीज वैसे ही रख देते हो तो आपको यहाँ पर गलत का निशान लगाना होगा। मैं रिकाबी में अपनी पसंद और नापसंद की तमाम चीजें खा लेती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सही का निशान लगा रही हूँ। अगला जुमला है, हर किस्म की सब्जी नहीं खाता हूँ। ये जुमला मेरे लिए गलत है क्योंकि मैं हर किस्म की सब्जी खाती हूँ। अगर आप भी हर किस्म की सब्जी खाते हो तो ये जुमला आपके लिए गलत होगा, और अगर आप हर किस्म की सब्जी नहीं खाते हो तो ये जुमला आपके लिए सही होगा। अगर ये जुमला आपके लिए सही है तो सही का निशान लगाओ, और अगर गलत है तो गलत का निशान लगाओ। ये जुमला मेरे लिए गलत है क्योंकि मैं हर किस्म की सब्जी खाती हूँ, और यहाँ पर लिखा है नहीं खाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर गलत का निशान लगा रही हूँ। अगला जुमला है, बिला नागा वर्जिश करता हूँ यानी रोजाना वर्जिश करता हूँ। अगर आप रोजाना वर्जिश करते हो तो आप यहाँ पर सही का निशान लगा सकते हो, और अगर आप रोजाना वर्जिश नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको गलत का निशान लगाना होगा। मैं बिला नागा वर्जिश करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सही का निशान लगा रही हूँ। अगला जुमला है, घर में हमेशा मोबाइल पर खेलता हूँ। अगर आप घर में हमेशा मोबाइल पर खेलते हो, ये जुमला आपके लिए सही है तो आप यहाँ पर सही का निशान लगाओ, और अगर आप मोबाइल पर हमेशा नहीं खेलते हो तो आप यहाँ पर गलत का निशान लगा सकते हो। मैं अपने घर में हमेशा मोबाइल पर नहीं खेलती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर गलत का निशान लगा रही हूँ। अगला जुमला है, घर में मुसलसल टीवी देखता हूँ। अगर आप घर में मुसलसल यानी हमेशा टीवी देखते हो, ये जुमला आपके लिए सही है तो आपको यहाँ पर सही का निशान लगाना होगा, और अगर आप घर में मुसलसल टीवी नहीं देखते हो तो आपको यहाँ पर गलत का निशान लगाना होगा। मैं घर में मुसलसल टीवी नहीं देखती हूँ, इसलिए ये जुमला मेरे लिए गलत है, इसलिए मैं यहाँ पर गलत का निशान लगा रही हूँ।
अगला जुमला है, दिन भर में खूब पानी पीता हूँ। अगर आप दिन भर में खूब पानी पीते हो, ये जुमला आपके लिए सही है, तो आप यहाँ पर सही का निशान लगाओ। और अगर आप दिन भर में खूब पानी नहीं पीते हो, तो आप यहाँ पर गलत का निशान लगा सकते हो। मैं दिन भर में खूब पानी पीती हूँ, ये जुमला मेरे लिए सही है, इसलिए मैं यहाँ पर सही का निशान लगा रही हूँ। प्यारे बच्चों, एक बात आपको बताना चाहूँगी, टीवी, कंप्यूटर, वीडियो गेम और मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे हमारी सेहत पर मुज़िर असरात हो सकते हैं, यानी कि हमारी आंखें खराब हो सकती है, हम ज़हनी तौर पर काहिल बन सकते हैं, हमारी याददाश्त कमजोर हो सकती है, उसी तरह वक्त की बर्बादी भी होती है और हम पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। इसलिए इन चीजों का कम अज कम इस्तेमाल करें। और हाँ, टीवी ज्यादा करीब से ना देखें। अच्छा बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बताई हुई बातों पर जरूर अमल करोगे। अब मुझे इजाजत दो, आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।